बोला तो सब उसी से जुड़ा हुआ है ना, मधुबनी वाला। देखिए अब लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और जिस तरह से इंडिया में हम लोगों की सीटों को लेकर बातचीत का दौर अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और जो खबर आ रही है उससे एनडीए के सभी लोग चिंतित हैं, खासकर वर्कर बिहार में, चाहे हमारी पार्टी के हों या दूसरी पार्टी के हों। तो हमारा है कि जल्दी से जल्दी चिंता से मुक्त होना चाहिए एनडीए के सभी वर्कर को। कन्फ्यूजन में पब्लिक भी है, तो जल्दी से जल्दी इस कन्फ्यूजन से आगे निकलना चाहिए। तो हमने तय किया है कि 4, 5 और 6 दिसंबर को हम अपने बिहार भर के साथियों के साथ, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हमारे होंगे, पूरी पार्टी रहेगी और वहाँ बैठेंगे। और 30 तारीख तक हमने कहा है भारतीय जनता पार्टी से भी कि जो भी स्थिति है आप क्लियर कर दीजिए। तो 30 तारीख तक जो कुछ भी बात होती है या नहीं होती है, अभी तो हमने मांगा है प्रधानमंत्री से समय मिलकर हम उनसे बात करेंगे, उनसे समय मिलेगा तो बात करेंगे। क्या बात होती है, नहीं बात होती है, किस रूप में बात होती है, कितनी बात होती है, तमाम चीज़ों की जानकारी हम 4, 5, 6 दिसंबर को जो वहाँ बैठे हैं उसमें साथियों को देंगे और सभी लोग मिलकर वहाँ जो भी डिसीजन लेंगे उस डिसीजन को पार्टी आगे फॉलो करेगी। तो इस दृष्टि से कार्यक्रम है। लेकिन ये माना जाए कि अगर प्रधानमंत्री भी नहीं मिलते हैं तो फिर ये उसको खत्म माना जाए रिश्ते को? देखिए रिश्ता खत्म करना और बनाना कोई व्यक्तिगत रूप से मेरे जिम्मे नहीं है, पार्टी है। पार्टी में जब एनडीए में हम गए हैं तो पूरी पार्टी का डिसीजन है। रिश्ता बना रहे कि न बना रहे पूरी पार्टी डिसीजन लेगी, हम अकेले कोई डिसीजन लेने वाले नहीं हैं। तो वहाँ सारी स्थिति से हम अपने लोगों को वाकिफ कराएंगे और लोग मिलकर फिर तय करेंगे कि क्या करना बेटर होगा बिहार के इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में। लोग तय करेंगे, जो भी तय होगा हम भी उसको मानेंगे। सर, जेडीयू विधानमंडल की बैठक में नीतीश कुमार ने जिस शब्द को लेकर आपने उनका सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा है कि उनका, उन्होंने नीच नहीं कहा और उनका वो मतलब भी नहीं था, सफाई दी एक तरीके से। नहीं देखिए, किससे उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति हमको मिले और बताए कि हमसे उन्होंने कहा है, मीडिया के कोई बंधु अगर बता दें कि मीडिया से उन्होंने कहा है तो हम उस बात पर भरोसा कर लेंगे। ऐसे अब कहीं से कोई उड़ती खबर आ गई उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई भी मीडिया का कोई चैनल या कोई उस तरह का आप लोगों में से कोई हो तो बताइए कि हाँ आपके सामने या कहाँ उन्होंने कहा, क्या कहा, नहीं कहा। अब जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम उनकी बात पर कैसे टिप्पणी।